All right, all right. namaste ji. This is Manu again from Chatians and let's look at what markets did last week and आने वाले दिनों में markets अब क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay, last week markets ने क्या किया और आने वाले हफ्ते में क्या कर सकते हैं markets से तुरंत देख लेते हैं. Now देखो क्या हुआ है market के markets में एक parabolic up move आया है. Okay, markets में एक parabolic up move आया है and chance भी नहीं दिया है कोई भी bears को enter करने का. Every day there has been a sell off coming in back to back. ठीक है मतलब हमारा जो व्यू था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन करके या तो ब्रेकआउट देगा या तो ब्रेकडाउन देगा वो तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं मतलब यू कैन से दैट ये जो बहुत बड़ा अपमूव था दिस वॉज लाइक अ ट्रैप जो भी हुआ आई डोंट नो जी ट्वेंटी या जो भी रीजन की वजह से हुआ uh, जो आर बी आई ने आई सी सी आर रेशियो बनाया था जो भी न्यूज की वजह से हुआ दैट डज नॉट मैटर नाउ बिकॉज दिस फॉल्ड डजेंट लुक लाइक यू कैन से दिस रिट्रेसमेंट रहता दिस रिट्रेसमेंट ये जो फॉल आपको दिख रहा है दिस डज नॉट लुक लाइक अ रिट्रेसमेंट दिस लुक्स लाइक अ ट्रेंड चेंज अकॉर्डिंग टू मी ओके सो वॉट कैन happen in markets for the next coming days let's look at that ओके okay, पहले चर्चा कर लेते क्या हो सकता है markets में आने वाले दिनों में ओके okay? सो so, अगर आप देखोगे ऑलरेडी तीन अच्छे नेगेटिव कैंडल्स बन गए जरूरी नहीं है कि फोर्थ कैंडल भी यू uh, नो you know, ग्रीन हो जाए फोर्थ कैंडल भी रेड हो सकती है ठीक है वी डू नॉट यू वी कैन नॉट सी दैट जैसे यहाँ पे हो गया था यहाँ पे यूफोरिया जब था हर एक कैंडल ग्रीन हो रही थी हम लोग सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक तो, एक तो कैंडल रेड मिला ऐसा हुआ नहीं सिमिलरली यहाँ पे भी एक्सपेक्ट मत करू कि इतना गिर गया है और नहीं गिरेगा मतलब हम लोग अभी बुलिश्रेट ले लेते ओके यू दैट मिस्टेक नाउ स्टे विद द ट्रेंड करेंटली द ट्रेंड इज एक्सट्रीमली बेरिश लुकिंग एट द थ्री डेली कैंडल्स ओके जो स्टॉक्स ऊपर लेके गए थे स्पेसिफिकली एच डी एफ सी बैंक ये तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ ठीक है सब बैंक स्टॉक्स स्पेसिफिकली हैव कॉस्ट दिस डाउन मूव ठीक है कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस डाउन मूव सिग्निफिकेंटली मैं स्क्रीन शॉट डाल दूंगा जिन्होंने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया लास्ट हफ्ते में सबसे ज्यादा निफ्टी के डाउनफॉल के लिए ओके हैवी वेट्स है इंडेक्स के ओके सो वट कैन हैपन इन द मार्केट्स नाउ देखो वन थिंग इज वेरी क्लियर राइट नाउ मार्केट्स लुक बेरिश सो एनी पुल बैक्स देखो ऐसे नहीं है कि मार्केट नीचे जा रहा है तो छोटा पुल बैक्स नहीं आएगा छोटा छोटा पुल बैक्स आएगा मार्केट में ओके सो वेन एवर यू आर थिंकिंग नाउ टू टेक एनी ट्रेड ऑलवेज वेट ठीक है ऑलवेज वेट फॉर अ पुल बैक टू कम इन द मार्केट एंड देन ओनली टेक अ ट्रेड अभी पे ट्रेंड के साथ रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू स्टे विद द ट्रेंड टिल इट बेंड्स नाउ ओके 19,600 के नीचे ऑफिशियली यू नो ट्रेंड यू कैन से बैरिश हो जाएगा ओके एंड इनफैक्ट बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में डबल टॉप का कंफर्मेशन हम लोग कभी मिलेगा अगर 43,600 ये जो लेवल अगर ब्रेक होता है समझो एक कैंडल यहाँ पे वीकली कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देती है ओके देन फोर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ब्रेक होने के बाद ये जो डबल टॉप यहां पे फॉर्म हुआ है उसका भी कंफर्मेशन मिल जाएगा मतलब एक एक्सपेक्ट करो कि इसका डबल नीचे और मार्केट जा सकता है मतलब ये लेवल भी आ सकता है मार्केट में अगर फोर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ब्रेक हुआ मेनी पीपल आर वंडरिंग कि ऐसा क्यों हुआ अचानक देखो आई एम नॉट आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वॉच डोंबर सीरीज का वीडियो फर्स्ट वीडियो दैट वी मेड कि हमने बोला था कि देखो जनरली सप्टेंबर्स आर बेरिश ठीक है वॉलटाइल रहते हैं नो डाउट बट बेरिश भी रहते हैं बट हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि यू नो सितंबर में एक अच्छी अपवर्ड रैली भी आई बट फाइनली सितंबर इज डूइंग व्हाट इज डूइंग ठीक है इट कुड बी बिकॉज ऑफ जो भी न्यूज है आई डोंट नो क्यू रैली हुई थी बट वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ द रैली जो हुई थी पूरे इतने दिनों में वो पूरी एक ही एक ही वीक में चली गई है ओके सो देर इज अगर किसी को लग रहा है अभी भी कि ये रिट्रेसमेंट है तो आई डोंट थिंक सो यू शुड बी यू कैन से थोड़ा आपको रिवाइज करना पड़ेगा अपनी ट्रेडिंग बिकॉज दिस डज नॉट लुक लाइक अ रिट्रेसमेंट दिस लुक्स लाइक अ वेरी शार्प चेंज इन ट्रेंड ठीक है साइंस आ गए हैं ट्रेंड चेंज होने का ओके सो डू नॉट बी अल्ट्रा बुलिश नाउ अगर आपके पास कोई स्टॉक्स थे जो आप यू you नो know, बहुत दिन से रख रहे थे कचरा स्टॉक्स अगर अच्छे स्टॉक्स है येस यू कैन कंटिन्यू होल्डिंग ऐसा नहीं है कि मार्केट यू नो नीचे नीचे जाती रहेगी मार्केट एंड ऑफ द ईयर ऊपर ही जाती है ओके बट राइट नाउ इफ यू आर वरिंग अबाउट ट्रेंड देखो ट्रेंड फिलहाल के लिए डज नॉट लुक बोलिश टू मी ट्रेंड लुक्स बेरिश टू मी ओके सो वट कैन हैपेस आने वाले दिनों में मे भी एक छोटा बोलता का सकते हैं बट आई एम 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 एक्सपेक्टिंग मार्केट्स टू फर्दर कंटिन्यू इट्स डाउन जर्नी ओके तो वी कैन एक्सपेक्ट मोर सच डाउन मूव्स इन कमिंग डेज इज वेल ओके सो लेट्स लुक एट वट कैन हैपन टुमारो नाउ कल के लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं एंड कल के सपोर्ट एंड रेजिडेंसिस ड्रॉ कर लेते हैं ओके लेवल्स के लिए बहुत ईजी है ज्यादा कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ओके फर्स्ट सपोर्ट हमारा यही रहेगा इसको मैं

ओके सो वट कैन हैपन एज यहाँ पे बाई भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो बिकॉज आने वाले दिनों में एक अच्छा दोनों साइड के मूव्स आ सकते हैं मार्केट में ओके सो इफ आई हैव टू ड्रॉ माई नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिटेंसिस आई एल बी ड्रॉइंग माई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइक दिस ओके दिस इज माई दिस इज गेविंग माई फर्स्ट सपोर्ट फिर ये ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल भी है यहाँ पे इसको भी हम लोग एक सपोर्ट लेंगे ओके एंड रेजिस्टेंस क्या रहेगा मेरा रेजिस्टेंस आर्ली में अगर मैं देखूँ तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है ओके okay. ठीक है तो ये हुई आर्ली की बात है इंटराडे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिमेंस द सेम ठीक है अगर आप देखोगे इंट्राडे में भी uh, कुछ खास सपोर्ट एंड एक छोटा सा दिख रहा है चलो यहाँ पे अगर आप इसको जोड़ते हो तो क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट ने अच्छा टाइम स्पेंड किया एंड फिर गया ऊपर ओके सो टुमारो वाट व्यू माई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टुमारो इफ यू आस्क मी यू कैन ईदर कैच दिस हैज योर इंट्राडे रेजिस्टेंस फर्स्ट Okay, so 19,720 is going to be your first intraday resistance. The reason being is price spent a lot of time over here and then did a retest and broke down. Okay, so 19,720 becomes your first resistance, 19,790 becomes your second resistance, and 19,584 becomes your first support. Okay, Bank Nifty, mein, Bank Nifty, mein, uh, daily pay other, daily pay dekhte koi important support. hai kya? daily pay, koi zada important support again. Dekh nahi rahe. Deekho, again, we are at this region wherein a lot of time price spent time over here. ओके यू कैन एक्सपेक्ट द सेम ओवर ईयर मतलब चलो मार्केट अगर नीचे भी जाता है तो मे बी एक छोटा पुल बैक ऊपर आ सकता है एंड देन एक नीचे की जर्नी कंटिन्यू कर सकती है मार्केट ओके बट अगर प्रीवियस डे लॉस के नीचे ट्रेड करता रहता है मार्केट देन यू कैन एक्सपेक्ट मार्केट्स टू टर्न बैरिशेज वेल मोर बैरिशेज वे मतलब वो जो पुल बैक है वो आ नहीं सकता अगर ऐसा कंटिन्यू रहा तो ओके सो लेट्स लुक एट वॉट कैन हैपन इसके सपोर्ट इन रेड सेंसेज ड्रॉ कर लेते हैं डेली पे कुछ खास दिख नहीं रहा है आर्ली पे आते हम लोग आर्ली पे देखते कुछ मिल रहा है हमको आर्ली पे ओके यू कैन कैच दिस ठीक है ये एक रीजन एक काइंड kind ऑफ of एक सपोर्ट का काम कर सकता है ओके सो फोर्टी फोर थाउजेंड ये तो साइकोलॉजिकल नंबर भी हो गया ओके okay, तो काफी दूर हो जाएगा ये इंट्राडे के लिए तो इंट्राडे के लिए हम लोग अभी देखते हैं इंट्राडे के लिए कुछ मिल रहा है हमको इंट्राडे के लिए देखो हमको एक अच्छा सपोर्ट अगर ढूंढना है तो आई थिंक बहुत इतना मीनिंगफुल नहीं है इतना मीनिंगफुल नहीं है ये लेवल ओके बट देन यू कैन कैच दिस एज योर सपोर्ट 44,350 वन बिकम्स योर गुड इंट्राडे सपोर्ट यू कैन सैन व्हाट इज योर रेजिस्टेंस नाव रेजिस्टेंस बिकम्स दिस ओके 44,966 मतलब 45,000 हमारा रेजिस्टेंस बन जा रहा है अभी ओके देखो जब तक मार्केट 45,600 ब्रेक नहीं करता ठीक है जब तक 45,600 ब्रेक नहीं करता आई एम थिंकिंग दैट दिस फॉल इज गोइंग टू कंटिन्यू मोर ठीक है वी बींग वेरी स्ट्रेट ऑनस्ट जो भी हमको चार्ट्स बोल रहे अभी फिलहाल के लिए उस पर हम लोग फोकस कर रहे हम लोग अपना कुछ दिमाग लगा नहीं रहे ओके बिकॉज राइट नाउ वट वी आर सींगज फोर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड के ऊपर जब तक प्राइस जाता नहीं आई डो नॉट थिंक दैट यू नो कि हम यू कैन से बुलिश हो सकते फिर से तो मे बी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ से मे बी एक छोटा फुल बैक अगर मंडे को आता भी है देन यहाँ पे किधर आई वुड प्रिफर रिमेनिंग शॉर्ट मतलब यहाँ पे मैं कॉल शॉर्ट्स करना प्रीफर करूंगा रैदर देन पुट शॉर्ट्स ओके बिकॉज स्टे विद द ट्रेंड ट्रेंड के साथ ही ट्रेड्स लो ट्रेंड के अगेंस्ट मत लो ठीक है क्योंकि आप जब भी ट्रेंड के साथ ट्रेड्स लेते हो ठीक है तो आपके पास एक यू नो ऑप्शन भी रहता है कि अगर अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ तो देर इज अ गुड चांस दैट यू नो नेक्स्ट ट्रेड जो आप लोग ट्रेंड के साथ वो आपका स्टॉप लॉस हिट ना करे बट अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हो तो बहुत चांसेस है आपका स्टॉप लॉसेस हिट होने का ओके सो बी केयरफुल अबाउट दैट टूमारो माई रेजिस्टेंस विल रिमेन द सेम फॉर्टी फोर थाउजेंड नाइन सिक्सटी सिक्स मतलब फोर्टी फाइव थाउजेंड आई एम कैचिंग इज गोइन टी माई फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड फोर्टी फोर थाउजेंड थ्री फिफ्टी इज गोइंग टू बी माई नेक्स्ट सपोर्ट ओके फिन निफ्टी फिन निफ्टी सेम सिमिलर सिनारियो लाइक हमारा बैंक निफ्टी ओके ये भी सबसे ज्यादा बहरिश हो रहा है अगर इसका कन्फर्मेशन नाइनटीन थाउजेंड के नीचे अगर एक वीकली कैंडल क्लोज हमको मिल जाती है या डेली कैंडल क्लोज भी हमको मिल जाती है देन यू कैन एक्सपेक्ट दिस हैज कन्फर्मेशन ऑफ डबल टॉप ओके सो लेट्स लुक एट द इंटराडे इसका तो सपोर्ट डायरेक्टली वही नाइनटीन थाउजेंड टू फिफ्टी एट आ रहा है कुछ और दिक्कत तो नहीं रहा है ठीक है बट चलो ये लेते ले हैं इसको एक सपोर्ट काइंड ऑफ एक सपोर्ट है नॉट दैट मीनिंगफुल ठीक है इसको और कोई है सपोर्ट और ये एक रेंज है जो यहां पे मार्केट ने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया था अगर आप देखोगे यहां पे ओके okay, सो so ये हमको इंट्रा डिवाइस अभी देख लेते हैं इंट्रा डिवाइस कुछ मिल रहा है क्या हमको इंट्रा डिवाइस अगेन नथिंग दूर दूर तक कोई सपोर्ट नहीं है फिन निफ्टी में ओके okay, तो फिन निफ्टी में सपोर्ट यही बन के आ रहा है नाइनटीन और कोई सपोर्ट में कोई देख नहीं रहा है इंट्रा डिवाइस अगर आपको रेजिस्टेंस देखना है इंट्रा डिवाइस रेजिस्टेंस काफी अच्छे हो रहे हैं अभी ठीक है ये एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड इज बिकमिंग अ गुड रेजिस्टेंस एंड यहां ऊपर अच्छे अच्छे रेजिस्टें मतलब अगर मार्केट अगर ऊपर जाती है यहाँ से आर लॉट ऑफ रेजिस्टेंस इट कैन हिट ओके सो कीप दैट इन माइंड जब भी आप ट्रेड लोगे तो ठीक है डो नॉट अगेन फाइट द ट्रेंड अगर आपने वो अपवर्ड रैली मिस किए और डाउनवर्ड रैली भी मिस किए अभी भी रैली खत्म हुई नहीं है यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ चांस अगर मार्केट यहाँ से और गिरती है मे बी अनदर फोर फाइव परसेंट देन यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड करेक्शन इन द मार्केट्स एंड वेल एंड आपको पता है कि फॉल जो आते हैं वो काफी फास्ट रहते हैं ओके सो स्टे विद द ट्रेंड जो भी ट्रेड्स आप लोगे फोकस करो कि आप सेल ऑन राइस करो उस पर अच्छा आपकी प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी एंड सेल ऑन राइस में जब भी आप कर रहे हो ट्रेड्स मतलब आप ट्रेंड के साथ अगर ट्रेड्स ले रहे हो आने वाले कुछ दिनों में कीप योर टारगेट्स थोड़ा बड़ा ठीक है स्टॉप लॉस बड़ा रखो चलेगा क्योंकि वोलाटिलिटी है मार्केट में ओके okay, तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस काफी हाई रहेंगे बट थोड़ा अपना यू कैन से टारगेट्स भी बड़ा रखो बिकॉज सेलिंग जो आती है वो हमेशा फास्ट आती है तो सेलिंग में आपके टारगेट्स हिट होने के चांसेस काफी हाई रहते हैं ओके सो कीप दैट इन माइंड ठीक है सो टुमारो माई रेजिस्टेंस इन फिन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड माई सपोर्ट इज नाइनटीन थाउजेंड सिक्स रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स की बात ओके okay? कल क्या हो सकता है मार्केट में कल सिंपल है क्या व्यू रखना है हमको देखो फिलहाल के लिए जो हमने बोला है कि न्यू नो व्यू रखना इज द करेक्ट व्यू इन द मार्केट एंड इट हैज बिन रिवॉर्डिंग अस ठीक है क्योंकि हमको एक में अच्छे मूव्स देखने मिल रहे हैं ओके नो डाउट स्टॉप लॉसेज भी हिट हो रहे हैं काफी बट

फोकस ऑन द ट्रेंड ठीक है जस्ट बिकॉज इतना गिर गया है और नहीं गिरेगा यह सोच के लॉन्ग मत लो आपको आइडिया नहीं है मार्केट कितने देर तक गिर सकती है बिफोर राइजिंग ओके सो टुमोरो अगेन द व्यू रिमेन्न द सेम एनी बुल बैक्स एट वी विल भी गटिंग वी विल भी लुकिंग फॉर सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटीज वी नो द सपोर्ट एंड वी नो द रेजिस्टेंस लेवल्स आने वाले दिनों में आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा मे बी साइडवेज एक्शन हो सकता है बट साइडवेज टू बेरिश एक्शन ही आई एम एक्सपेक्टिंग ठीक है बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर मार्केट्स यहाँ से एक अच्छा फुल बैक भी देती है चलो 19,800 तक या मे बी 45,400 या 500 तक देन आई विल प्रीफर सेलिंग ठीक है बिकॉज मार्केट्स हमको पता है कि कभी स्ट्रेट लाइन में जाएगी नहीं मार्केट्स अगर ऊपर जाना है तो ऐसे ऐसे करके जाएंगे ओके सो देट से गाइड फॉर द मार्केट वीपोर्स यू गाइड लाइक दिस वीरियो इफ यू गाइज लाइक दिस वीरियो प्लीज इट दैट लाइक बडे शेयर इट विद यियर फ्रेंड्स This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly and stay with the trend. Bye. Take care.